इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे एरोमेटिक कन्वर्जन को किस तरह से किया जाता है। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम कई तरह के एलिफेटिक कन्वर्जन्स आपको सिखा चुके हैं और उम्मीद है आप उतने ही प्रैक्टिस से, उतने ही मनोभावना से इन सभी लेक्चर्स को सीख रहे होंगे। एलिफेटिक कन्वर्जन थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे, आपको उसकी अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मेरी बात मानिए कि अगर आप उन चार वीडियो लेक्चर्स को देख लेंगे और दिन में दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जिन कन्वर्जन से आप भागा करते थे उन्हीं कन्वर्जन के पीछे आप भागेंगे और उसका शिकार करेंगे। और इस तरह से आज हम सीखेंगे कि एरोमेटिक कन्वर्जन किस तरह से किए जाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं एरोमेटिक कन्वर्जन। यहां मैं आपको सिखा दूं कि हमारे पास अगर इथाइन है, इथाइन को रेड हॉट आयरन की प्रेजेंस में हीट करने पर यह बेंजीन में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपको कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ जाना है तो आपका पहला टारगेट होगा कि किसी तरह से उस कंपाउंड को इथाइन में कन्वर्ट करें और इथाइन से आप बेंजीन बनाएं। एक एरोमेटिज्म की शुरुआत यहां से हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर आपके पास बेंजीन बन चुका है तो बेंजीन से कौन कौन सी रिएक्शन को किया जा सकता है सीखते हैं। अगर आपके पास बेंजीन है तो बेंजीन पे Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, इस तरह से हम हाइड्रोजन Cl बाहर और ये इधर क्लोरोबेंजीन को बना पाएंगे। तो बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन बना के फर्दर कन्वर्जन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही हम अगर बेंजीन पे मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो सेम इसी तरह से होगी और इस रिएक्शन में भी आप समझेंगे HCl बाहर जाएगा और यहां पर ये टॉलीन बनेगा। तो अगर कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना है तो आप टॉलीन की तरफ जा सकते हैं और इसको बनाया जा सकता है। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन इसको बनाना आप याद रखें। नाउ अब अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन आ चुका है, हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी यही बताया था कि एलिफेटिक कन्वर्जन्स में पहले हैलोजन लगाते हैं। अगर एक बार हैलोजन आ जाए तो वो बाकी फंक्शनल ग्रुप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाता है और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वहां पर प्लेस होते चले जाते हैं। तो आपको पहले हमेशा हैलोजन लगाने की तरफ ध्यान देना होगा। अब अगर इसमें मैं अमोनिया की रिएक्शन करवाता हूं, अमोनिया एमिनेशन कहा जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ CO2 हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, अगर ये रिएक्शन हम करवाएंगे HCl बाहर जाएगा और ये हमारे पास एनिलीन फॉर्म होगा। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन कहा जा सकता है, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन और इस एनिलीन पे NaNO2 HCl डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। और डाइएजोटाइजेशन में अगर आपको याद हो NH2 कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन Cu+HBr, ये सारा ग्रुप हटेगा और ब्रोमीन यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। अगर स्प्लिटिंग जानते हैं तो अच्छा है, Cl बाहर N2 बाहर, हाइड्रोजन के साथ जो कनेक्ट है वो आएगा। अगर आप यहां पर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो HCl बाहर N2 बाहर, यहां पर OH आ जाएगा, फिनॉल बना सकते हैं। अगर आप CuCn KCn की रिएक्शन करवाते हैं Cl बाहर N2 बाहर साइनाइड आएगा, आप यहां
साइनाइड लगा सकते हैं, बेंजोनाइट्रिल बनेगा। और अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं सिखा चुका हूं साइनाइड पे तीन तरह के रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस और मेंडियस रिडक्शन। मैं याद करवा दूं, अगर आप इस पे डाइल्यूट HCl करवाएंगे तो साइनाइड COOH में बदल जाएगा, अगर कंसंट्रेटेड HCl करवाएंगे तो साइनाइड CONH2 के अंदर बदल जाएगा, और अगर सोडियम में इथेनॉल करेंगे तो साइनाइड की जगह पे CH2NH2। ये हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सीख चुके थे। तो देखिए, क्लोरोबेंजीन से NH2 भी आ गया, OH भी आ गया, साइनाइड भी आ गया, एसिड भी आ गया, अमाइड भी आ गया, अमीन भी आ गया, यानी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बन चुके हैं। अब बारी इस बात की है कि आप कैसे इन रिएक्शंस को कर पाएंगे। सपोज आपसे ये कहा जाता है कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है या बेंजीन से फिनॉल बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, डाइजोनियम सॉल्ट, फिनॉल। ध्यान रखिए, एक से ज्यादा मेथड होते हैं कन्वर्जन के। हम इसे डाउस प्रोसेस से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में आप चाहें तो एक ही सीक्वेंस याद करें और उसी सीक्वेंस के हिसाब से कन्वर्जन कर सकते हैं। रिमेंबर, अगर आपके एग्जामिनेशन में कहा जाता है बेंजीन से आपको बनाना है सपोज एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन कैसे समझ पाओगे? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन से एनिलीन होगी रिएक्शन, हो गया कन्वर्जन। अगर आपसे कहा गया कि आपके पास एनिलीन है और एनिलीन से आपको बनाना है बेंजामाइड, ये आई डोंट थिंक अब आपके लिए मुश्किल है। एनिलीन से बेंजामाइड कैसे, देखिए ढूंढिए जरा। एनिलीन से N2Cl, साइनाइड, साइनाइड से बेंजामाइड, पूरा रोड मैप आपके पास है। आप जरा से इन कन्वर्जन्स को याद करके बड़ी आसानी से अपने लायक रिएक्शन कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको एरोमेटिक कन्वर्जन्स की तरफ जाना है, एरोमेटिक कन्वर्जन्स के लिए आपको सोचना है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी है। सिमिलरली आपको और भी तरह के कन्वर्जन दिए जा सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया फिनॉल से आपको बनाना है बेंजाइल एल्कोहल। अब फिनॉल से बेंजाइल एल्कोहल हम देख रहे हैं एक कार्बन एक्स्ट्रा है, और अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं सिखा चुका हूं कि कार्बन को कैसे बढ़ाया जाता है। कार्बन को इंक्रीज करने के लिए हम साइनाइड की रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपके पास कई ऑप्शन हैं। आप चाहें फिनॉल से साइनाइड पे आ जाएं, साइनाइड से अमाइड बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, और उनके रिडक्शन से अपने इस एल्कोहल को बना सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस पे रिएक्शन पहले अमोनिया की करवाता हूं, हीटिंग, हाई प्रेशर, HOH बाहर चला जाएगा और इस तरीके से ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 डाइजोनियम सॉल्ट। कभी भी NH2 आ जाए तो डाइजोनियम सॉल्ट सीधा बनाया जा सकता है, और इस तरह से N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और इसकी जगह पे CuCN, KCN, और ये हमने देखा कार्बन का नंबर एक यूनिट बढ़ गया। यहां पर जितने कार्बन थे एक एक्स्ट्रा आ गया। अब इससे ये बनाना है, कैसे बनाएंगे हम इसको? बनाने के लिए पहले सोडियम इथेनॉल, ये रिडक्शन की जा सकती है, इसे मेंडिस रिडक्शन कहते हैं। मेंडिस रिडक्शन में साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है CH2NH2 के अंदर इस तरह से, और NH2 की जगह OH कहां से आएगा वो हमें याद होना चाहिए,
मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में जिक्र किया है, NaNO2 HCl ये NH2 OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैं फिर कहूंगा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स एक सीक्वेंस में देख डालें, ऑर्गेनिक कन्वर्जन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस एकदम से शूट अप हो जाएगा अगर आप उन सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखते जाएंगे। तो इस तरह से आप कन्वर्जन करवाने की कोशिश कर पाएंगे। आपको होमवर्क में करने के लिए मैं कुछ रिएक्शन देता हूं, आप ट्राई कीजिएगा। जैसे बेंजामाइड, इससे बनाना है आपको एनिलीन, ये बनाना है। हिंट दे दो, एक कार्बन डिक्रीज हो रहा है और अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सिखाया था कार्बन का नंबर कैसे रिड्यूस किया जाता है। अब अगर आपसे कहा बेंजोइक एसिड है, इससे आपको बेंजीन बनाना है, कार्बन का नंबर रिड्यूस हो रहा है। ऐसे ही आप ट्राई करेंगे, आपके पास क्लोरोबेंजीन है और इससे आपको बेंजाइल क्लोराइड बनाना है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कन्वर्जन, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से टैक्ट, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, आप डेफिनेटली इन सभी कन्वर्जन को स्मूथली सॉल्व कर डालेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन जरूरत है कार्य को करने की, आप समय निकालें, समय निकाल के इन रिएक्शंस को करें और इन रिएक्शंस को इस तरह से पूरा करें कि खत्म करके ही मानेंगे, इन्हें कंप्लीट करके ही मानेंगे। टर्मिनेटर हैं आप, आपको रिएक्शन को फिनिश करना है, सोच लेंगे तो डेफिनेटली कर डालेंगे। देखते रहिए आगे और वीडियो लेक्चर्स में, हम सिखाएंगे आपको किस तरह से ऑर्गेनिक में और हम स्मार्ट वर्क के जरिए मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं। देखते रहिए।